अच्छा, आपने अगर नेट मीटिंग लगाना है तो नेट मीटिंग में आपको एक ग्रीन मीटर लगता है। ओके, ग्रीन मीटर में बाय डायरेक्शनल मीटर होते हैं। ओके, अगर आपका जो घर का लोड है वो कम है और आपकी जनरेशन ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है वो आप वापडा को सेल आउट करते हैं। ओके, और वापडा जो है वो आपको बिजली देते हैं। तो वापडा जो आपको बिजली देती है उसका एक रेट होता है, और जो आप सेल आउट करते हैं उसका दूसरा रेट होता है। ओके, तो फिर वो बिल में प्लस माइनस हो जाते हैं, और जो नेट बिल आते हैं आप पे, तो आपको वो पे करना पड़ता है, या वो अगर नेगेटिव में आ जाए तो फिर आपको पे नहीं करना पड़ता है, फिर आप कहते हो कि मुझ पे जो बिल आए हैं वो जीरो आए हैं। ओके, तो नेट मीटिंग जब आप इंस्टॉलेशन कर लेते हो अपने घर में सोलर का, तो उसके 4 मंथ उस पर कम लगते हैं। और नेट मीटिंग के लिए ज़रूरी ये होना चाहिए कि आपका घर जो है वो 3 फेज सप्लाई उसको आई हो। ओके, 3 फेज मीटर लगा हो। ओके, अगर 3 फेज मीटर नहीं लगा, सिंगल फेज मीटर लगाए, तो आपने वापडा वाल को रिक्वेस्ट करना है कि मैंने नेट मीटिंग लगाने, मुझे काइंडली वो 3 फेज मीटर लगाने। ओके, तो वो आपके घर में 3 फेज सप्लाई देते हैं, जिस पे फिर वो नेट मीटिंग ग्रीन मीटर लगा देते हैं, जिसके थ्रू आप फिर वो जो नेट मीटिंग होते हैं वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो नेट मीटिंग के लिए कंडीशन क्या है, वो ये है कि 3 फेज मीटर होना चाहिए। ओके, और आपका जो घर का लोड है वो 5 kVA से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, अच्छा, नेट मीटिंग पे जो खर्चे आते हैं वो 1 लाख से लेके 2 लाख के दरमियान में आते हैं। ओके, डिपेंड अपॉन दी डिस्क, उस कंपनी की कौन सी कंपनी है, आइस को लगा रहे हैं, पेस को लगा रहे हैं, फेस को लगा रहे हैं, कौन सी कंपनी पे आपने नेट मीटिंग लगानी है, कौन सी कंपनी के रेंज में आप आते हो, तो वो उसके हवाले से रेट्स जो हैं वो वेरी होते हैं। ओके,